श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन चीजों का ध्यान अध्यात्म में रखना है। आवरणस्य निवृत्तिर भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशः तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। तीन बातें हो गई। पहले अज्ञान के कारण जो आवरण है उसका नाश हो जाता है। आवरण माने हम जो जैसी है उस वस्तु को वैसा नहीं देखते, और आवरण का अर्थ कई बार ऐसा कर लेते हैं जैसे बेडशीट को बेडशीट ने बिस्तर को ढक दिया है, वैसा आवरण नहीं। आवरण होता है जैसे लहरें समुद्र को ढक देती है, पति आदमी को ढक देता है, सांस स्त्री को ढक देती है, जीव परमात्मा को ढक देता है। तो यह आवरण की निवृत्ति हो गई। सम्यक पदार्थ दर्शनतः, जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया उसके द्वारा क्या होगा, मिथ्या ज्ञान विनाशः। फिर जो मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान है देहात्म भाव से मैं देह हूं, प्राण के साथ तादात्म्य हो गया तो मैं भूखा प्यासा हूं, मन के साथ तादात्म्य हो गया तो मैं सुखी दुखी हूं। तो यह जो मिथ्या ज्ञान जनित इसके कारण जो दुख है उसकी निवृत्ति होगी। ये तीन बातों को होना माने हमने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। यहां तक हमने देखा था। अब अधिष्ठान का निरूपण करते हैं कि हम कौन है क्या है, इसको ठीक से समझना है। 349th वर्स, एतत्त्रयम् दृष्टम् सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बंधमुक्ते विदुषा। समझदार व्यक्ति ने विदुषा, एतत्त्रयम् दृष्टम् सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, जब हमने रस्सी को रस्सी के रूप में पकड़ लिया, उसको सांप नहीं समझा, तो तीन बातें हो गई। पहले जो मिथ्या सांप था उसने रस्सी को ढक दिया था, वो आवरण भंग हो गया। उसके कारण जो हमने विक्षेप किया था, क्योंकि हमको पता नहीं रस्सी है, तो वहां हमने सांप की कल्पना करी थी, और इस कल्पना के कारण जो हम दुखी हो गए थे, ये तीन बातें। तो एतत् त्रितयम् दृष्टम्, ये तीन जो है ये रज्जू के रस्सी के ठीक से समझने से नष्ट हो जाते हैं। तद्वत् उसी प्रकार से तस्माद् वस्तु स तत्त्वं ज्ञातव्यम्, उसी प्रकार से हमको अपने स्वरूप को पहचानना है कि हम कौन है। देखो थोड़ा क्षण भर के लिए भी विचार करो ना, एकदम व्यक्ति इस चक्कर से मुक्त हो जाता है। दुख पहली स्टेप, दूसरी स्टेप दुखी, तीसरी स्टेप कौन दुखी। तो दुख इसके ऊपर कमेंट्री की जरूरत नहीं। दुखी पति पत्नी भाई बहन माँ बहन सास बहू, कौन दुखी। और असल में क्या है, क्या ये है, यहां एक ही परमात्मा पर ये उपाधि के कारण अध्यारोपित हो गए हैं, ये चिंतन। ये जब चिंतन होगा तो धीरे धीरे वस्तु का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। ये तो वही पुरानी बात लेकर के रोना धोना, और फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते। देखो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, जो व्यक्ति जीवन में छोड़ नहीं सकता वो जिंदगी भर दुखी रहता है। इसीलिए पहले ये समझ ले कि कौन दुखी है। पति पत्नी भाई बहन, क्या वो रियल है। देखो हमने आपके उदाहरण दिया था, उस पर चिंतन करो। हमारी पत्नी मर गई
तो हम विधुर हो गए, या हमारे पति मर गए तो हम विधवा हो गए, ठीक है। दूसरी बात, यदि हमने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया, परेशान हो गए थे उनके कारण, तो पति से डाइवोर्स लेने के कारण हम पति पत्नी तो है नहीं, तो फिर हम विधवा है कि सधवा है? चिंतन करो, देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह पत्नी नाम की वस्तु नहीं, कहीं पति नाम की वस्तु कहीं नहीं है। तो जो नहीं है वो दुखी हो रहे, अब इनको कैसे आप ठीक करोगे? इसलिए तस्मात् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यम्, वस्तुता क्या है इसको जानना आवश्यक है। बंध विमुक्तये, ये जो बंधन बंधन हम कहते हैं ना, बंधन बेवकूफी का और कुछ नहीं है। अयोग्नि योगादिवसत समन्वयात् मात्रादि रूपेण विजृंभते धीः तत्कार्यमेतद्वितयम् यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्न मनोरथेषु। जैसे अयस माने अयस माने लोहा, अग्नि योगात, अग्नि के साथ उसका योग हो गया, तो जो लोहा पहले इतना हार्ड रहता है उसके आकार में बदल ला सकते हैं, क्योंकि वो अग्नि के साथ मिल गया है। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि लोहे के जैसी जड़ है, यह बुद्धि चैतन्य योगात फिर उसमें भिन्न भिन्न आकार निर्माण होते हैं। तो बुद्धि का पहला आकार मन, विक्षेप, कल्पना, संदेह, फिर इस मन का दूसरा विकार इंद्रिय, इंद्रियों का विकार विषय। देखो तो विषय जो है वो स्थूल है, इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय ही विषय बन जाते हैं, और इंद्रिय स्थूल है, मन सूक्ष्म है, मन ही इंद्रिय बन जाता है। ये बात तो समझ में आती है कि मन जब आंखों से निकलता है तब दृष्टि कहते, ये समझ में आ जाती है, लेकिन यह दृष्टि जब स्थूल हो जाती है तब इसी को रूप रंग कहते हैं, ये बात गले नहीं उतरती। देखो संतो, इसीलिए पहली बात यह है, जगत के विषयों का प्रभाव हम पर न होवे, उसके बाद इंद्रियों के गुलाम बन करके ना रहे, तीसरी बात मन के दुख को लेकर के एक दुखी व्यक्तित्व को जन्म ना दे, यही साधना है। लेकिन एक बार आदमी को दुखी होने की आदत पड़ी ना, तो दुखी होने से लोगों का अट्रैक्शन मिलता है, क्या हो गया, अरे अरे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना था, ये तो मेरे साथ होना था। देखो ये जो दुखी होने वाले व्यक्तित्व होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग ईगो होते हैं, हमको इसीलिए दुखी लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं, दे आर यूजलेस। मात्रादि रूपेण विजृंभते धीः तत्कार्यमेत द्वितयम् यतो मृषा। तो बुद्धि भी केवल प्रकृति है, सत्य नहीं है, उसी प्रकार से उसके विकार भी सत्य नहीं है, और इसीलिए आगे कहते हैं ये मृषा दृष्टम, जैसे भ्रम स्वप्न मनोरथेशु, जैसे आदमी को भ्रम हो जाता है तो जो नहीं है वो दिखने लग जाता है, और स्वप्न, स्वप्न में तो कल्पना ही कल्पना है, मनोरथेशु कई बार आदमी को आदत लग जाती है कल्पना करने की, बैठे बैठे आराम से बैठे पकोड़े खाओ, नहीं कल्पना करेंगे पकोड़े ठंडे हो रहे। देखो ये जो आदत है ना, ये अपनी निर्माण की हुई है। देखो संतो, व्यक्ति के आंखों में पता चलता है कि आदमी कहां बैठा है, जो अपने में पीटी कर रहा है उसके आंखों में दीनता का, फ्रस्ट्रेशन का भाव होगा, जो इंस्पायर्ड नहीं है वो लोगों से अटेंशन सीख करेगा, और जो अपने स्वरूप में स्थित है वो मस्त रहेगा। कहां से आप देख रहे हैं?
ततो विकारा प्रकृतेह अम्मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे शणोन्यथा भावितया यमीशाम असत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा। ततो विकारा प्रकृतेह अम्मुखा, एक बार यह प्रकृति पुरुष का एक समागम हो गया तो पहला विकार होता है अहम, मैं पैदा हो गया। उसके पश्चात पूरी दुनिया पैदा हो जाती है। देहा विषाना विषाना विषयाश्च सर्वे, फिर स्थूल सूक्ष्म कारण देह और सभी के सभी विषय, ये सब के सब कैसे है, अहंकार से लेकर के विषयों तक। क्षणे अन्यथा भावितया, ये नित्य निरंतर बदल रहे हैं। देखो कोई भी परिवर्तन एक अपरिवर्तनीय तत्व के संदर्भ से होता है। देखो जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हो, रात का समय हो, बाहर अंधकार हो और कोई रेफरेंस नहीं है, तो आपको यह अनुभव नहीं आएगा कि फ्लाइट चल रही है। जब दिन हो नीचे देखो और तब पता चलता है कि पहाड़ चले गए, नदी चली गई, तब अपनी यह फ्लाइट आगे जा रही है। तो जब तक के कोई रेफरेंस नहीं, इसी प्रकार से हम सबको ये रेफरेंस है कि देह बदला क्योंकि मैं ज्यों का त्यों, विचार बदले मैं ज्यों का त्यों, सुख दुख बदले मैं ज्यों का त्यों। तो यह जो सबका प्रकाशक है वहां हमको अपने आप को रखना है। तो असत्वम आत्मा न तो कदाचित अन्यथा, इसीलिए ये सब असत है, आत्म तत्व ये सब के सब कभी भी नहीं हो सकता। नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सरसद विलक्षणः अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थः प्रत्यक्ष सदानंद घन परात्मा। अब यह अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थः, लक्षित अर्थ माने क्या, एक खंबे पर बोर्ड लगा है बंबई, तो वो खंबा थोड़ी बंबई है, माने आप बंबई नाम के भयानक जामनगर में पहुंच चुके हो, तो खंबा बंबई नहीं है। इसी प्रकार से यहां बताते हैं अहम, अहम का लक्षित अर्थ क्या है। तो जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तो मैं का अर्थ क्या है, पति, क्या पति सत्य है, नहीं आदमी सत्य है, आदमी सत्य है, नहीं परमात्मा सत्य है। तो इस अहम शब्द के द्वारा जिस परमात्मा को लखाया जाता है वह अपना स्वरूप है। तो वो कैसा है, नित्य अद्वय अखंड चिदेक रूपहा, जो नित्य है अखंड है और चिदेक रूपहा शुद्ध चैतन्य। देखो कई बार ये शब्दों का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य और चेतना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो चेतना यह चैतन्य की प्रकृति में अभिव्यक्ति है, चेतना चैतन्य नहीं है। चेतना आ जाती है प्रकृति में और चैतन्य है ये पुरुष। देखो भगवत गीता कहती है 13वीं अध्याय में, मैं तुमको क्षर और अक्षर का विस्तार से समझाऊंगा। पहले क्षर माने बदलने वाली वस्तु क्या है, या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र किसको कहते हैं, तो क्षेत्र का अर्थ बताते हैं ये सब पंच महाभूत इत्यादि। फिर सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ही, तो यह जो चेतना है यह चैतन्य की प्रकृति में लाइफ के रूप में अभिव्यक्ति है। चेतना माने लाइफ, और यह सब में सामान्य है। देखो जैसे आप दो वस्तुओं के सामने खड़े रहो, एक है दीवार और दूसरा है दर्पण, तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा और दीवार पर नहीं पड़ेगा, हम तो वही है। तो ये भेद किसके कारण है, भेद है उस उपाधि के कारण। तो शुद्ध चैतन्य की चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति जिन उपाधियों में चेतना के रूप में होती है उनको सजीव कहते हैं।
सेंशियंट, और जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति इस चेतना के रूप में नहीं हो सकती है उनको निर्जीव कहते हैं या अचेतन कहते हैं। देखो, इसीलिए चेतना को परमात्मा मत समझना, ये केवल अभिव्यक्ति है। तो नित्य अखंड चिरेक रूप बुद्ध्यादि साक्षी, और यह कौन है? बुद्धि इत्यादि का साक्षी है। देखो, माने बुद्धि में विकार आते हैं, विकार अच्छे हैं बुरे हैं, इनको सबको प्रकाशित करते हुए इन किसी के भी द्वारा प्रभावित न होना, तादात्म्य न होना, यह जिसका स्वभाव है बुद्धि आदि साक्षी। और सदसद विलक्षण, और ये महत्व की बात है, जो सद असत से विलक्षण है, जिस वस्तु को हम है और नहीं है इन विकल्पों के साथ स्वीकार कर सकते हैं, वह मिथ्या है, वह सत्य नहीं है। देखो, जैसे कोई वस्तु हाथ में ले लो, कई बार होता है ना, लोग कोई कंगन पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं या गले में माला होती है रुद्राक्ष की पब्लिक को दिखाने के लिए, एक हाथ बार माला नहीं तो अरे तुम्हारी माला कहाँ गई। माने उस माला को हमने दो प्रकार से जाना, है और नहीं है। क्या यह विकल्प अपने बारे में हो सकता है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? जब मैं नहीं हूं यह विकल्प नहीं हो सकता, तो मैं हूं यह कहना भी गलत है। इसीलिए सत असत विलक्षण, तो प्रत्यक सदानंद घन परात्मा, प्रत्यक यह अपना स्वरूप है, सदानंद घन। देखो, ये घन शब्द का अर्थ है, जैसे एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सच्चिद आनंद कंदाय, सच्चिद आनंद कंद, कंद माने ट्यूबर, जैसे होता है आलू, तो इस आलू में जैसे आम में बीज दिखता है वैसे आलू में बीज दिखता नहीं, तो ये जो बीजत्व है आलू का ये पूरे ट्यूबर में व्याप्त है। इसी प्रकार से सदानंद घनहा, माने जो आनंद जिसका कोई बीज नहीं है, जो आनंद स्वरूप ही है, इसीलिए सदानंद घन परात्मा, यही अपना स्वरूप है, इसको हमको पहचानना है, करना कुछ नहीं। इत्थम विपश्चित सदसद विभज्य निश्चित्यत्वत्वं निजबोध दृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानं अखंड बोधं तेभ्यो विमुक्त स्वयमेव शाम्यति। इस प्रकार से विपश्चित समझदार साधक सत असत विभज्य, सत और असत का विवेक करे। अब ध्यान से सुनना, सत माने है, असत माने नहीं है, इनका विवेक कैसा होगा? देखो, तिल तंडुल न्याय ले लो आप, तो तिल हो गया सिसमम सीड्स और तंडुल हो गया चावल, दो बातें हो गए। तो तिल तंडुल न्याय दोनों को अलग अलग कर सकते क्योंकि दो वस्तु है, लेकिन जो सत और असत, जो है और नहीं है, इनका क्या विवेक होगा? तो इनका विवेक यही है कि सत मात्र है, असत नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इसीलिए इत्थम विपश्चित सदसद विभज्य निश्चित्य तत्त्वम निज बोध दृष्ट्या, और ऐसे अपने तत्व को, तत्व होता है आकार रहित, जिसको आकार है वो तत्व नहीं है, क्योंकि आकार में ही विकार आते हैं। आकाश तत्व है, आकाश में विकार नहीं। सुवर्ण तत्व है, सुवर्ण में विकार नहीं, विकार आते हैं आभूषणों में। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है उसमें कोई विकार नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, समाधि नहीं,
कोई भी विकार जिसमें नहीं है, ऐसा जो अपना स्वरूप है, इत्थम निश्चित तत्वम निज बोध दृष्टया। और क्या शब्द मात्र नहीं, निज बोध, ये अपना साक्षात अनुभव होना है। निज बोध दृष्टया ज्ञात्वा स्वमात्मान अखंड बोधम, इस प्रकार से अपने आप को जो अखंड बोध है, अखंड बोध का तात्पर्य जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में ही मिलता है, पति केवल पत्नी के सामने ही होता है, बाद में हैप्पी, कितना फर्क है देखो। पिता केवल पुत्र के सामने ही होता है, बाद में पिता, बिल्कुल सरल सरल बात है। तो यह जो तत्व है, कहते ज्ञात्वा स्वमात्मानम अखंड बोधम, तो यह जो जो संबंध है वो केवल एक रेफरेंस से होते हैं। उसी प्रकार से जागृत पुरुष केवल जागृत में, यह अखंड नहीं खंडित है, स्वप्न पुरुष स्वप्न में, सुषुप्त पुरुष सुषुप्ति में या सत्संग में, और समाधि पुरुष समाधि में। देखो एक तत्व ऐसा है जो जागृत में रहता है बिना जागृत पुरुष बनके, जो स्वप्न में रहता है बिना स्वप्न पुरुष बनके, जो सुषुप्ति में रहता है बिना सो करके, जो समाधि में रहता है लेकिन समाधि टूटती नहीं और लगती नहीं। यह स्वम आत्मानम अखंड बोध रूपम निश्चित्य, यही अपना स्वरूप है। तो तेभ्या विमुक्तः, फिर जितने भी ये उपाधियां है, अहंकार बुद्धि इंद्रिय मन रिश्ते नाते, देखो वही अपना स्वरूप है। तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति, फिर ऐसा व्यक्ति जगत में एकदम शांति को प्राप्त हो जाता है। जीवन में कृतकृत्यता आ गई। अहंकार का एक लक्षण है मन में ग्लानी का निर्माण होना, अहंकार का दूसरा लक्षण है मन में गर्व का निर्माण होगा, हम ऐसे है या हमसे गलती हो गई, ये दोनों ही अहंकार में ही है और कहीं नहीं है। यहां तक अपने स्वरूप को बता दिया, अब इस स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए हमको समाधि का अभ्यास करना आवश्यक है। अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यद्वा द्वैतात्म दर्शनम्। अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस्तदा, उसी समय अज्ञान हृदय ग्रंथि का हमेशा के लिए लय हो जाता है। अब आप लोग तो सुन सुन करके सब कंठस्थ हो गया होगा आपको, कहते हैं अज्ञान हृदय ग्रंथि का तात्पर्य अज्ञान अपने स्वरूप का, अज्ञान जगत का, इसके कारण मन में जो हलचल निर्माण होती है उसको कहते हैं काम। तो अविद्या काम, जिसके मन में कामना उत्पन्न हो गई है किसी भी वस्तु को लेकर के वो कर्म में लगेगा ही, तीन बातें हो गई। तो ये अविद्या काम कर्म इन तीनों को मिला करके इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। अब इस अज्ञान हृदय ग्रंथि का निशेष विलय सदा, ये तभी इसका निशेष विलय हो जाएगा किसके द्वारा, समाधिना अविकल्पेन, फिर निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना है। देखो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करने का विधान भगवान शंकराचार्य ने कब किया, 353 श्लोकों के बाद। इतनी तैयारी पहले करनी है, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, योगा सर्टिफिकेट, 6 months कोर्स आई हैव डन, वेरी गुड। एवरी डे हाउ मेनी लेक्चर्स, एवरी डे हाउ मेनी लेक्चर्स, We still have 3 sessions per month.
देखो तो 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट मिल गया योगाचार्य, जो योग का आचार बना के बेचते हैं योगाचार्य, देखो। और फिर वो मेडिटेशन सिखाएंगे। जब तक के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं, तब तक के मेडिटेशन एक कार्टून होता है, और कार्टून शो बहुत ज्यादा चलते हैं, देखो। इसलिए संतो, ये निर्विकल्प समाधि लगने लग जाती है यदि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो तो। यहां एकदम ये कल्पना मत करना, चलो अभी हमने निश्चय कर लिया रोज मेडिटेशन करेंगे, ये कोई रनिंग करना है जिसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं। तो अज्ञान हृदय ग्रंथे है निश्चय से विलय सदा समाधिना अविकल्पेना यदा अद्वैत आत्मदर्शनम, जब हमारा अपने स्वरूप में निष्ठावान होने का संकल्प दृढ़ हो गया, फिर हम देखते हैं कि जीव जगत ईश्वर क्या है, क्या ये वास्तविक है कि औपाधिक है, तो ये उपाधियों में से कौन सी उपाधि पर हमारा अधिकार है, ईश्वर की उपाधि पर हमारा अधिकार है जो माया है, या जगत की उपाधि पर हमारा अधिकार है जो नाम रूप है, या अपने उपाधि पर हमारा अधिकार है जो पंचकोश है, किस पर हमारा अधिकार है? ईश्वर की माया के उपाधि पर हमारा कोई अधिकार नहीं, तो क्या करें फिर? दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी माया बड़ी कठिन है महाराज, ट्राई मत करना उसके साथ खिलवाड़ करने का। फिर माम एव ये प्रपद्यन्ते, तो भगवान के उपाधि को निकालना माने अपने आप को मिटा देना। देखो उसके पश्चात जगत की उपाधि को कैसे निकालना है, अपने नाम रूप से मुक्त हो जाना है, जिसको अपने नाम रूप का महात्म्य होता है उसी को जगत के नाम रूप का महात्म्य होता है। देखो आप कई जगह जाके देखेंगे, कई लोग सब कुछ खत्म हो गया, चलो संन्यास बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, और सन्यासी बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, कहीं भी जाकर के कपड़े बदलो सन्यासी हो गए, नोबडी विल क्वेश्चन यू कि कौन हो तुम, डेमोक्रेसी है। तो लिखेंगे स्वामी गड़बड़ानंद, अब कोई जानता नहीं इनको, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी है ना, महासेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र एक्स, संन्यास हो गया है फिर भी नाम रूप उपाधि उसको छोड़ने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, रिश्ते निकालेंगे, गुरु भाई गुरु बहन गुरु माँ, गुरु ससुर नहीं है क्या? देखो संतो, ऐसे फंसे रहते हैं नाम रूप में। तो समाधिना अविकल्पेना यद्वैत आत्मदर्शनम, तो 3 बातें हो गई, जब ये अविद्या काम कर्म हट गए उसके पश्चात हम समाधि का अभ्यास करने के अधिकारी है, और वो समाधि लगने लग जाती है, तब जा करके हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। त्वम अहम इदम इति यम कल्पना बुद्धि दोषार प्रभवति परमात्मनि अद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधौ अस्य सर्वे विकल्पो विलयम विलयनम उपगच्छेत् वस्तु तत्वावधृत्या। त्वम अहम इदम, आप मैं यह कल्पना बुद्धि दोषात, ये केवल बुद्धि की कल्पना है, ये मैं हूं वो आप है और वो वस्तु है, यदि बुद्धि को शांत कर लिया तो ना मैं हूं ना आप है ना वो है। देखो ये जो 3 पुरुष होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है आप, हमारे गुजराती भाइयों को आप और तुम में फर्क समझ में नहीं आता, किसी को भी तुम कहेंगे। उस दिन मैं कहीं था अभी अपने भीमपुरा में, एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति आए, स्वामी जी तुम बहुत अच्छा बताते हो। मैंने बोला धन्यवाद। दूसरा आदमी था, स्वामी जी को तुम कहते हो, फिर क्या कहूं?
वो तुम और आपका जो फर्क है ना, अब अपनी अपनी भाषा की भेद है, तो तुम मैं वो, तो जहां मैं है वही आप है, जहां मैं और आप है वही वो है। देखो हमारी डिस्कशन कैसी होती है, मैं प्रथम पुरुष एक वचन, आप द्वितीय पुरुष एक वचन, उसके बारे में बात करेंगे तृतीय पुरुष एक वचन। अब यदि आपने निर्णय ले लिया आप किसी अन्य के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, और दूसरे जो है वो प्रथम पुरुष द्वितीय वचन, द्वितीय पुरुष प्रथम वचन, दो हो गए। अब यदि आपने केवल उसी की बात करने में, कैसे है तबियत, ठीक ठाक है ना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, ओवर ये मत पूछना, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो यार, कोई जरूरत नहीं पूछने की। देखो उसका भी निकाल दो, केवल आप हो, केवल यदि आप है तो ना सेकंड पर्सन ना थर्ड पर्सन, ये संपूर्ण सृष्टि केवल इस प्रथम पुरुष पर ही अवलंबित है। त्वम अहम इति यम कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वये निर्विशेषे, जो अद्वये निर्विशेष परमात्मा है इसी में ये बुद्धि के दोष के कारण प्रकट होने लग जाती है। अब देखो कैसी सिंपल बात है, ये रोज का सीखने का धंधा है महाराज। एक आदमी शादी करता है, शादी किसके साथ करी, एक लड़की के साथ, तो उसके जीवन में कौन कौन आया, वाइफ, नहीं 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 नहीं, वाइफ और उसके साथ वो सब लगे बांधे, सी फिर आ जाते हैं सास ससुर और बाकी के जो होती है, मुझे पता नहीं क्या क्या होती है, वो सब आ जाते हैं और इनका सबका पूरा का पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। पहले मालूम था कि एक लड़की से शादी करने से इतना कस्बा आ जाता है, तो करता ही नहीं। इसी प्रकार से एक देह के साथ तादाद में कर लिया, उसके बाद पूरी दुनिया पैदा हो गई। तो प्रभवति परमात्मनि अद्वये निर्विशेषे, पहले ही आदमी निर्विशेष था, अब विशेष हो गया, मैरिड अनमैरिड नेवर मैरिड और फोर्सिबली मैरिड। देखो निर्विशेषे प्रविलसति समाधौ अस्य सर्वे विकल्पा, और समाधि में इसके जितने भी मन के प्रोजेक्शंस है यही समाधि के लिए सबसे बड़े प्रतिबंध है, इन्हीं के कारण समाधि का अभ्यास नहीं होता। जहां आदमी ध्यान के लिए बैठता है, जिन्होंने हमारे साथ रहा है उनको हम बताते हैं, पहली महत्व की एडजस्टमेंट रिमेन चेयरफुल, दूसरी Remember your divine Lord and Guru is in your heart. They will protect you and guide you from within. Tisri mahatva ke baad, you are Mr. Nobody. Pati hokar ke meditation ke liye baitho, to patni maharani aaj mein belna leke khadi hogi. Dekho. Putra hokar ke baitho meditation ke liye, putra aapko pareshan karna shuru karega. Saans hokar ke baitho, तो बहू आपको सांस नहीं लेने देगी। मेडिटेशन में क्या हो गया सास जी, मेरी सांस फूल गई। देखो कुछ बनो मत, यही सब साधना है, इसीलिए समाधौ समाधि में यही सबसे बड़े प्रतिबंध है। इसका अभ्यास करें महाराज, इसको कोई आपको नहीं सिखा सकता, जितना ये संबंध का बोझा है और जितना संग्रह का बोझा है ये केवल मानसिक मात्र है, वास शरीर पर नहीं होता। देखो ये बात हमने एक बार सीखी, बहुत पुरानी बात है, हमारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया, बंबई की बात है, तो पहले जहां थे हम वहां हमारे पास मेन पुस्तकें ज्यादा है, तो हमने कहा भाई तुम ही करो उसको पैक बुक करो, मेरे से नहीं होता है, नहीं तो छोड़ दो। तो 20-25 बक्सों में पैक किया कार्टन्स में, फिर ट्रक ट्रैक्टर के साथ या ट्रक के साथ ट्रांसफर किया और वो एक कमरे में रख दिया, स्वामी जी आप अब देख लेना क्या करना है, एक दिन एक हफ्ता एक महीना एक साल
मैं दिखता था, हिम्मत ही नहीं होती थी खोलने की, अच्छा है। और ऐसे ही चलते चलते 3 साल निकल गए, हमने बोला ये कभी नहीं खोलने वाला, लेकिन मन पर उसका प्रेशर था कब करे, कैसे खोले कैसे खोले। फिर एक दिन मैंने एक लाइब्रेरी ने हमारे मित्र उनको लिख दिया, ऐसे ऐसे जगह में मेरे ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, आप सब की सब पुस्तकें अपने लाइब्रेरी के लिए ले लो। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी करी और वो ये ईमेल लिखी, स्वामी जी सब कुछ कर लिया है, कैटलॉगिंग हो गया है, जब आप आएंगे तो साइन करके हमको दे देना हमारे रिकॉर्ड के लिए। जैसे उनकी ईमेल आई, अब वो वजह कहां था, केवल मन में होता है। देखो पत्नी का बोझा पति के शरीर पर कभी नहीं होता, शरीर पर होता वो जिंदा ही नहीं रहता, देखो मन पर होता है, इसीलिए ना मरता है ना जिंदा रहता है। डॉक्टर लोग यही करते हैं, वो आपको क्योर नहीं करते क्योंकि उनको पेशेंट चाहिए, मरने नहीं देते क्योंकि पेशेंट चाहिए। देखो इस प्रकार से धीरे धीरे ये सब रिश्ते नातों का बोझा निकाल दो। तो यही समाधि में सबसे बड़े विकल्प है, सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स है। और जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तब पता चलता है ना तो मैं जागृत पुरुष था, ना स्वप्न, ना सुषुप्त, ना समाधि, ये सब के सब मुझ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। देखो हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं धीरे धीरे और उसका एनालिसिस करेंगे, आप इसको ग्रहण करना, श्री राम श्री राम श्री राम। अब ये हमारा अनुभव है, अब इसका विश्लेषण करें। पहले गलत विश्लेषण, श्री राम ही क्यों कर रहे, जय श्री कृष्ण क्यों नहीं कह रहे, शुरू हो गए। हमारे यूपी में तो श्री कृष्ण नहीं कहते, श्री राम ही कहते, लेकिन अभी तो तुम गुजरात में हो ना, मेडिटेशन चल रहा है। देखो अब इसी का दूसरा एनालिसिस, इस शब्द के उच्चारण में हमें ज्ञान होता था कि शब्द हुआ और उस शब्द को हमने प्रकाशित किया, फिर इस शब्द के समापन के पश्चात शब्द का अभाव आया तो शब्द के अभाव को भी हमने ही प्रकाशित किया, तो फिर हम कौन हो गए। जो भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है वो भाव अभाव के परे है। अब चौथी बात, क्या ये अपना अनुभव नहीं है, ना तो हम कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं और इसीलिए मैं हूं ये कहने की भी आवश्यकता नहीं, तो फिर हम है कौन। भावाभाव विलक्षण, देखो संतो जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तो आदमी दुनिया में फंसता नहीं। फिर इस ज्ञान में रहना दिन भर रात भर, तब जाकर के निर्विकल्प समाधि लगती है, नहीं तो नहीं लगती, फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होकर के रहता है। तो उसके लिए करना क्या है, उपनिषद का रेफरेंस देते हैं, शांतो दांत परम उपरत शांति युक्तम समाधि कुर्वन नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भावम तेना विद्या तिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पा। शांत माने जो अपने आप से बोलना बंद कर दिया है, शांत, लेकिन सो नहीं रहा है, सोने भी नहीं देते बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि नींद में भी हम बोलते हैं, अभी क्या उठना है, अभी 15 मिनट और सो लेते हैं और फिर 15 मिनट में अनेक डिस्कशन करेंगे अपने आप से। देखो संतो
शांत माने अपने आप से बोलने का धंधा बंद कर दो। इधर बहुत सूक्ष्मता से सचेत रहना है। कितना बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। दांत माने जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल है। परम उपरतः, अब वो दुनिया से उपरत हो गया है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दूर रहो। दूर रहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। जिस वस्तु या व्यक्ति से आपके मन में विक्षेप होते हैं, उस वस्तु या व्यक्ति से दूर भागो। लेकिन यदि वो वस्तु या व्यक्ति हमारी पत्नी हो तो मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। अच्छा, परम उपरतः तो करे क्या, डिस्कशन बंद कर दो। कुछ भी बोलने के पहले ही हां कह दो, हां ठीक है, और सबके सब दोष अपने पर ले लो। एक सज्जन को हमने ये महामंत्र दिया था, बोले स्वामी जी आपने देने वाले मंत्र के बाद बहुत फर्क पड़ा हमारे घर पे। तो मैंने तुमको क्या मंत्र दिया था, आप भूल गए, मैं सब भूल जाता हूं। बोले आपने कहा था कि सॉलिलॉकी शुरू करना, सॉलिलॉकी मैंने अपने आप से बात करना, कहीं कुछ भी हो जाए शुरू कर देना। देखो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बम किए, मेरे ही कारण हुआ। जापान में सुनामी से बहुत नुकसान हुआ, मेरे ही कारण हुआ। मैं कितना दुनिया को बर्बाद कर रहा हूं। देखो रेलवे का स्ट्राइक हुआ, मेरे ही कारण हुआ। रुपए की वैल्यू गिर गई, पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूं। ऐसे बोलते जाओ बोलते जाओ, घर के लोग क्या हो गया पापा को, क्या हो गया पापा को, पागल तो नहीं हुए तुम, क्या हो गया पापा तुमको, मेरे ही कारण सब कुछ होता, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे कारण सब कुछ हो रहा। तो आपकी ये साधना भी होगी और लोगों के ताने मारना भी बंद हो जाएंगे। ये पति पत्नियों के साथ रहने का एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। शांत दांत परम उपरता शांति युक्त समाधि, शांति युक्त। देखो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको छोड़ते नहीं, आपको परेशान करके रहेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, तो ठीक है, रिमेन इनडिफरेंट, यू कैनॉट डू एनीथिंग। देखो वो अपनी आध्यात्मिक परीक्षा है। परीक्षा में आपको कठिन प्रश्न दिए जाते हैं, देखो तो हमको उसको पास करना है, और यही है स्टॉप रिएक्टिंग एंड रिमेन टोटली इनडिफरेंट। शांति युक्त समाधिम कुर्वन, उसके पश्चात समाधि का अभ्यास करते करते नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भावम। यह अभ्यास करते करते नित्य निरंतर इसी में लगे रहे, इसी में लगे रहे। अब हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपने स्वरूप में निष्ठावान होना है। देखो अपने स्वरूप में निष्ठावान होने का तात्पर्य क्या है, मन में उठने वाले विचारों की तादाद एकदम कम हो जाती है, मन शांत रहने लग जाता है, मन दर्पण तुल्य होता है। जैसे दर्पण पर कोई प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का प्रभाव दर्पण पर नहीं पड़ता, इसी प्रकार से ऐसे साधक का मन शांत है, प्रसन्न है। तो स्वस्य सर्वात्म भावम तेन अविद्या तिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान। तो अविद्या के कारण जो भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प मन में आए थे, अच्छा है बुरा है, आवश्यक है अनावश्यक है, सुख का साधन है दुख का साधन है, ये सब के सब विकल्प मन से साधु दग्धान टोटली बर्नड अवे, एक भी विकल्प मन में नहीं रहेगा। और ब्रह्मा कृत्या निवसति सुखम, इस प्रकार से ब्रह्म की आकृति का तात्पर्य है
मन को निर्गुण निराकार बनाना है। अब मन हमारा एकदम निराकार है, इसीलिए एक ध्यान की प्रक्रिया यही है। अभाव को विषय बना करके मन को उस विषय में लगाओ, तो शब्द का अभाव उसको विषय बनावे। अब हम शांति को सुनेंगे। शांति को सुनना है तो शब्द के प्रति उदासीन रहना पड़ेगा। जैसे शब्द के प्रति उदासीन हो गए ध्यान से सुनना, वैसे हम कानों से हट करके मन में जाके बैठे, क्योंकि शब्दों का श्रवण कान के माध्यम से ही होता है। और यदि हम सभी शब्दों के प्रति उदासीन रहे और अभाव को विषय बनाया, भाव अनेक होते हैं, अभाव एक होता है, तो जब इस अभाव को विषय बनाते हैं उस समय मन भी चैतन्य में वैसे ही घुल जाता है जैसे बर्फ का टुकड़ा समुंदर में। तो इस चैतन्य में कोई विकल्प नहीं, हूं या नहीं हूं, है या नहीं है, हो या नहीं हो, इस विकल्प रहित स्थिति को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। और ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम, ऐसा जो साधक है सुखम निवसति, यह आनंद में सहज डूबा रहता है। कैसे? निष्क्रियः निर्विकल्पः, अब कोई विकल्प नहीं, एक भी प्रश्न नहीं, और इसीलिए एक भी क्रिया नहीं, निष्क्रिय। यह जो स्थिति है इसको कहते हैं मेडिटेशन में रहना, इसको मेडिटेशन करना नहीं कहते। मेडिटेशन करोगे तो उसमें कर्तृत्वाभिमानी पैदा होगा कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। कभी कभी लगता है मेडिटेशन, कभी कभी नहीं लगता है, वो कोई ग्रहण है क्या? कभी लगा कभी नहीं लगा, ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादि चेतस्वमहं चिदात्मनि तएव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्ष कथाभिधायिनः। ये समाहिताः, इस प्रकार से जो समाहित हो गए, अब अपने आप को चारों तरफ से उन्होंने इकट्ठा करके समेट लिया है, सबकी ममता ताग बटोरी समेट लिया है, और प्रविलाप्य बाह्य, और बाहर का जगत अब लीन हो गया। ध्यान से सुनना, आपने आंखें बंद कर ली तो रूप रंग दुनिया के आपके आंखों में वापस आ गए।
आपने कान बंद कर दिए तो विश्व के सभी शब्द आप में वापस आ गए। देखो प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादि चेतः, ये सभी के सभी इंद्रिय इत्यादि स्वम अहम चिदात्मनि, और यह चेतना और मैं अहम सबका सब इस चिदात्मा इस शुद्ध चैतन्य में वापस बुलवा लिए। ते एव मुक्ता भवपाश बंधई, वही केवल इस भवपाश से मुक्त हो जाते। भवपाश का तात्पर्य है भव माने बनने का रोग, देखो इसी को कहते हैं भवपाश। जैसे हम करते बनने का रोग क्या है कि मैं पहले छोटा बच्चा था, फिर बड़ा बना, फिर पढ़ाई करी, पढ़ा लिखा बना, फिर जॉब करी, फिर जॉब वाला बना, फिर शादी करी, फिर पति बना, फिर बच्चे हुए, फिर बाप बना। ये सब को एक शब्द में कहना हो तो बेवकूफ बना, उसमें सब कुछ आ गया। ये बेवकूफी से होती, जो बेवकूफ होते वो बनते हैं, जो समझदार होते हैं वो होते हैं। देखो संतो, ये जो बनने का रोग है यही भवसागर है, भवपाश बंधई ही। देखो न अन्ने तू, लेकिन वो नहीं, कौन हम लोगों के बारे में वर्णन हो रहा है, कौन नहीं होते मुक्त। पारोक्ष कथा भिधायिना, जो केवल बात करते हैं, अनुभव का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं है, सुन रहे हैं इतना बढ़िया है स्वर्ग, बताओ तुमको, तुम स्वर्ग में जाके आए क्या, नहीं सुना है। नैमिषारण्य की कथा कोई गया नहीं नैमिषारण्य में, लेकिन सुन रही है कथा। इसी प्रकार से ब्रह्म की बातें हो रही है, लेकिन कहीं उसका अनुभव मात्र नहीं, उनके लिए यह नहीं है। उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते, चोपाध्य पोये पोहे स्वयमेव केवलः, तस्माद् उपाधेर विलयाय विद्वान वसेत सदा कल्प समाधि निष्ठया। उपाधि भेदा स्वयं एव विद्यते, देखो एक आदमी उपाधि के कारण अनेक बन जाता है, लेकिन वो होता नहीं अनेक, वो बनता है। उपाधि भेदात स्वयमेव विद्यते, उपाधि उपाधि अपोहे स्वयमेव केवलः। देखो जहां उपाधि का त्याग कर दिया, त्याग करना माने क्या, उपाधि को सत्य मत मानना। तो फिर कैसे मानना, नाटक। देखो दो जगह में विचार आता है, भगवान कृष्ण को नटवर लाल कहते हैं, देखो नटवर माने द बेस्ट एक्टर, और शिवजी को नटराज, दोनों ही नट ही है। तो जैसा हम लोग सत्संग सुनने का नाटक करते हैं, वैसे ही दुनिया में जीने का नाटक करो। तो नाटक का प्रभाव क्या होता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता यही प्रभाव होता है। तो जहां हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर बनते हैं और दुखी होते हैं, ऐसे बेवकूफ को कोई नहीं समझा सकता। फिर उनकी क्या करो, उनकी खिंचाई करो। उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते, उपाध्य पोहे स्वयमेव केवलहा। केवलहा का तात्पर्य है जिसमें अब किसी प्रकार के भेद बाकी नहीं है। हमारे दुख का कारण हमने अपने आप को कोई तो भी एक व्यक्ति मान लिया है, उसके बाद हमने देह मान लिया है, उसके बाद जीव मान लिया है, कितना मान लिया है। अभी माना ही तो है, जाना थोड़ी है। अब मानना ही है तो ऐसा क्यों ना माने मैं ब्रह्म हूं। देखो इसलिए उपाधि भेदा स्वयमेव विद्यते, उपाध्य पोहे स्वयमेव केवला। फिर यह जीव जगत ईश्वर का जो भेद है यह हमेशा के लिए मिट जाता है। तस्मात् उपाधे है विलयाय विद्वान वसेत, इसीलिए अब ये समाधि का अभ्यास किस लिए करना है, उपाधियों से मुक्ति पाने के लिए। उपाधियों से मुक्ति पाने का तात्पर्य क्या हो गया, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं अपने आप को
स्पष्ट रूप में कहे, मन ही मन नहीं होता कि इस समय मैं प्रसन्न हूं, कोई परेशानी नहीं, स्वयं होकर के भगवान के सामने बैठा हूं, उनके ही गोद में, अब काहे का डर। और गुरु महाराज है जो हमको मार्गदर्शन करते हैं अंदर से ही, और इस समय हम मिस्टर नोबडी, इसीलिए अपना भूतकाल तो है ही नहीं, तो भविष्य कहां होगा, इसीलिए मेडिटेशन के बाद क्या करेंगे विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में ही मैं खत्म होने वाला है। अब कोई विकल्प नहीं, मैं मेडिटेटर मेडिटेशन कर रहा हूं, ये सब विकल्प शून्य हो गए। सबका अभाव हो गया है और सबके अभाव में जो है वो अपना निर्विकल्प स्वरूप है, इसमें कोई विकल्प नहीं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। क्योंकि विकल्प नहीं है, कोई संदेह नहीं, इस स्थिति में जितने ज्यादा समय तक हम बिताएंगे उतना जो पहला हमारा स्वभाव था, अपने आप से बात करना, दुनिया के बातें करना, जहां आवश्यक नहीं वहां रहना, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं वहां बोलना, अनेक प्रकार के संबंध प्रस्थापित करना, देखो इन सब से अपने आप को हम बचाने लग जाते हैं। देखो महाराज, कोई व्यक्ति फ्रंट डेस्क पर बड़े सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वहां मिलने वाला व्यक्ति एक ही बार मिलता है, दूसरे बार उस आदमी से मिलो तो कहता है थैंक गॉड फिर नहीं मिला। देखो अपने आप को बचा के रखो, यही साधना है। सो तस्मात उपाधेहे विलयाय विद्वान, एक एक उपाधि का विलय करके वसे सदा अकल्प समाधि निष्ठया, और इसी में नित्य निरंतर रहे। और जो व्यक्ति ऐसे नित्य निरंतर इसमें अभ्यास में लगा रहता है, उसके मन में किसी को लेकर भी अच्छे बुरे विचार नहीं आते, इसने ऐसा क्यों किया, वैसे ऐसा क्यों किया, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं, दुनिया में हमको किसी से कुछ नहीं लेना ना देना है। देखो जहां संबंध निर्माण करोगे दुखी होगे, वही से संसार शुरू होता है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः, जितने संबंध है यही संसार है, इससे मुक्त हो जाओ।
संबंध रहित प्रेम को कहते हैं भक्ति। जिस प्रेम में संबंध निर्माण होते हैं उसको कहते हैं आसक्ति। ये जो आसक्ति है वो जली जाती है, रुकती नहीं। सति सक्तो नरो याति सद्भावम हि कनिष्ठया कीटको भ्रमरम ध्यायन ब्रह्मरत्वाय कल्पते। इस प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहेंगे तो धीरे धीरे हम सत्स्वरूप ही हो जाते हैं। उदाहरण दिया, जैसे ये जो कीड़े होते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों से जाते हैं। प्यूपा में कीड़ा शांत होकर के बैठा रहता है, कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, मानो वो ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। अपने अगल बगल में उसने धागे से अपने को लपेट लिया है और अंदर शांत रहस्य स्थित और इतना इंटेंस उसका ध्यान होता है कि फिर उसको ये प्यूपा के आवरण को तोड़ करके उसमें से एक बढ़िया बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। इसी प्रकार से यहां कहते हैं कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं। हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यू विल बी अनफॉर्चुनेट। आपने ये कल्पना शुरू कर दी, समबडी लाइक्स मी, यू स्टार्ट लाइकिंग हिम बट ही विल नेवर लाइक यू। ये अपने मन की कल्पना होती है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से द्वेष नहीं करता। देखो संतो, ये सब मन के विकारों से अपने आप को बचा के रखना है। हम ही कल्पना करते, देखो हमने उनके लिए इतना किया, हु आस्क्ड यू? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर एनीबडी। रिमेंबर एवरीथिंग वी डू फॉर अवर सेल्व्स। देखो यदि हमारे दिमाग में ये कीड़ा रहे कि हम आपको ज्ञान दे रहे, तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि जहां भगवान फेल हो गए हम कहां सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए संतो, केवल तत्व के तरफ ध्यान देना है। क्रियांतरा शक्तिम अपास्य कीटको ध्यायन यथालिम यलिभावक मृच्छति तथैव योगी परमात्म तत्वम ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया। सभी क्रियाओं का त्याग करके जैसे यह कीटक केवल उसी अलिभाव को माने उसी बटरफ्लाई होने को ही लगा रहता है, उसी प्रकार से यह जो योगी है इसी परमात्म तत्व में निष्ठावान होकर के धीरे धीरे ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया वह उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है। फिर ध्यान से सुनना, माने वो मर नहीं जाता, एक हो जाता है। माने पहले वह पति पत्नी भाई के रूप में प्रकट होता था, अब वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो रहा है। पहले वो मनुष्य के रूप में प्रकट होता था देहात्म भाव के कारण, अब वह शुद्ध चैतन्य के रूप में देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो जो प्रकट होने वाला है अब वो ना तो व्यक्ति है ना तो देह है, अब केवल परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो जिस उपाधियों से परमात्मा प्रकट होता है उसको महात्मा कहते हैं, और जिस उपाधियों से जीवात्मा प्रकट होता है उसको संसारी कहते हैं। अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुम अर्हति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमादि रतिशुद्ध बुद्धि। तो यह परमात्मा तत्व अत्यंत सूक्ष्म है और इसीलिए न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तु मरती। जो स्थूल दृष्टि वाले ने आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन लेकिन शब्द को हटा दो। ये कोई कोई शब्द जो होते हैं ना उसके कारण हम दुखी होते हैं, इसका जरा सूक्ष्मता से ध्यान देना। क्यों कैसे लेकिन ये शब्द हमको जाल में डालते हैं, इसे हट जाओ। लेकिन क्यों? देखो ये लेकिन और क्यों आपको छोड़ा गया नहीं जिंदगी भर, ऐसे ही होता है। इनका उच्चारण करना महापाप है। अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्ट्या। स्थूल दृष्टि क्या है? अपने दुख को जस्टिफाई करना, अपने सफलता को जस्टिफाई करना, किसी के सामने कुछ प्रूव करने का प्रयत्न करना, आई एम गुडी गुडी। मुझे इसीलिए गुडी गुडी लोगों से बड़ा डर लगता है, दे आर डेंजरस गाइज।
तो न स्थूल दृष्टा प्रतिपत्तुम अर्हति समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या। फिर समाधि क्या करनी है? पहले तो समाधि करनी नहीं है। सुसूक्ष्म वृत्त्या माने क्या? ये बाहर के चक्कर से हटो, यहां पी लो वहां पी लो अंदर पी लो, नहीं। धीरे धीरे जगत का त्याग हो गया, इंद्रियों विषयों का त्याग हो गया, इंद्रियों का त्याग हो गया, मन के वृत्तियों का त्याग हो गया, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं इस मैं का भी त्याग हो गया। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवा अवशिष्यते। पंचदशीकार कहते हैं मेडिटेटर और मेडिटेशन ये दोनों जब खत्म हो जाते हैं तब परमात्मा प्रकट हो जाता है। माने प्रयत्न शैथिल्य, किसी भी प्रकार का प्रयत्न जीवन में ना रहे, जीवन सहज हो जाए। देखो आकाश को आपको ग्रहण करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले आकाश का गंध लेने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि आकाश में गंध नहीं है। फिर आकाश को चाटने का प्रयत्न मत करना, कैसा लगता है आकाश? नहीं, उसमें कोई रस नहीं है। आकाश को स्पर्श करने का प्रयत्न मत करना, गर्म तो नहीं है। फिर आकाश को स्पर्श करने का प्रयत्न मत करना। तो आकाश को ग्रहण करना माने ये चार गुण धर्मों का त्याग करना। फिर आकाश को कैसा प्रयत्न स्पर्श करेंगे हम? फिर हम आकाश को पकड़ेंगे शब्द के द्वारा। बहुत बढ़िया। अब आकाश क्या है? मन का प्रक्षेपण है। तो मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय नहीं है। माने मन का ना तो कोई गंध है, ना तो कोई उसका रस है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई स्पर्श है, ना तो कोई शब्द है। तो मन को ग्रहण करना माने क्या? ये पांच विषयों का त्याग करना। आपने मन को ग्रहण किया है, हमारी आदत क्या हो गई है? इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करने की आदत होने के कारण हम कहते हैं मैं ध्यान में बैठा था ऐसा सुगंध आया, आ क्या बताओ। आपको आया? नहीं, वो मैंने स्प्रे लगाया था बैठने के साथ। तो आपके है, मेरा ही सुगंध आया, सुगंधानंद महाराज। इस चक्कर में मत पड़ना। मन में पहुंचोगे तो आपको ये पांचों विषयों का ज्ञान नहीं होगा। देखो फिर मन के परे चले गए माने बुद्धि में चले गए, अब निश्चय पक्का हो गया, अब कोई डाउट नहीं कि हम ये सब चीजों को छोड़ करके अब अपने पास आए। और आखिरी में ये जो मैं है इसका भी त्याग हो गया। और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। देखो संतो, न स्थूल दृष्टा प्रतिपत्ति अर्हति समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमादैः अतिशुद्ध बुद्धिभिः। अति शुद्ध बुद्धि भी ही आर्य ही ज्ञातव्यम। जिनकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध पवित्र हो गई है, बुद्धि की शुद्धि पवित्रता का तात्पर्य है उसमें से कार्य कारण भाव निकल गया है। अब खाली पीली प्रश्न पूछने का धंधा बंद कर दे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा ही छोता है। देखो और आर्य ही, आर्य माने कल्चर्ड वन। अनकल्चर्ड कौन होते हैं? जो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो दुखी रहते हैं, जो दूसरे का अटेंशन सीख करते हैं, वो अनार्य है, अनार्य जुष्टम। अच्छा, यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम समृच्छति तथा मनस्सत्व रजस्तमो मलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम।
जिस प्रकार से सोने को अग्नि में जलाते हैं तो उसमें से सभी के सभी मल इत्यादि जल खाक हो जाते हैं और अपना जो स्वरूप है सोने का शुद्ध पवित्र स्वरूप वो प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से जो मन है इस ध्यान के अभ्यास के द्वारा इसमें से रज सत्व तमो मलम संत्यज्य, अब इस मन में से ये तीनों गुणों का जो मल है ये निकल जाता है। तमो गुण का मल है आलस्य निद्रा प्रमाद, रजोगुण का मल है इच्छाओं को पूर्ति करना और जिद्दी रहना, सत्वगुण का मल है होली और दैनदाऊ गुडी 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 गुडी। ये तीनों मलों से जो मुक्त हो जाता है ये इस ध्यान के द्वारा, ध्याने न संत्यज्य समे इति सत्वम, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान का अभ्यास माने वर्किंग ऑन योर माइंड, यू हैव टू वर्क ऑन द माइंड नॉट ऑन द बॉडी और द वर्ल्ड। निरंतराभ्यास वशात तदित्थम पक्वम मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्प वर्जिता सतो द्वयानंद रसानुभावकः। इस प्रकार से निरंतराभ्यास वशात यह जो चित्त है मन है नित्य निरंतर अभ्यास करने के कारण मनः पक्वम भवति, मन पक जाता है और फिर ब्रह्मणि लीयते तदा, अब यह मन परमात्मा में लीन हो गया। उदाहरण आपको जो दे रहे बर्फ का टुकड़ा, उसको नाम रूप आकार इत्यादि है, जब वो पानी में मिल जाता है तो सब गायक। इसी प्रकार से ब्रह्म को आकार दिया तो उसको मन कहते हैं, मन को निराकार कर दिया तो वो ब्रह्म है। तदा समाधि विकल्प वर्जिता, तब उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं और इसी में हम अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा केवल झटके ही खाते रहेंगे। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर विनाशो खिल कर्म नाशः अंतर्बहिस्सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिर अयत्न तस्यात्। अभी समाधि का जो और आगे सूक्ष्म अनुभव हमारे जीवन में आता है ये इस 64वें श्लोक में बताया है, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।